सदियों से ही माइथोलॉजिकल क्रिएचर हर एक रिलीजन माइथोलॉजीज और इतिहास में एक अहम चर्चा का विषय रहे। बचपन से ही हमें सुनाई गई नानी दादी की कहानियों में भी ये डरावने क्रिएचर जरूर मौजूद थे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में टॉप 10 माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स जिनका जिक्र इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और साथ ही हिंदुइज्म स्क्रिप्चर में भी देखने को मिलता है। फिल्मी जगत का सबसे फेमस मॉन्स्टर ड्रैगन, जो कि कई मूवीज और सीरीज से काफी ज्यादा फेमस भी हुआ। ये उड़ने वाला डरावना मॉन्स्टर जो कि आग उगलता है, भले ही सदियों से ये एक फिक्शनल क्रीचर की तरह देखा जाता है, पर इन ड्रैगन का जिक्र बाइबल की बुक ऑफ इज़ेकियल के चैप्टर नंबर 29 के वर्स नंबर 3 में और बुक ऑफ रेवलेशन में चैप्टर नंबर 12 की वर्स 3 में भी मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं, 2004 में साउथ डकोटा में खुदाई के दौरान रिसर्चर्स को एक ड्रैगन जैसा दिखने वाला एक स्कल का फॉसिल मिला, पर रिसर्चर्स ने इसे डायनासोर का फॉसिल कहकर म्यूजियम में रखवा दिया। पर यही नहीं कि इन ड्रैगन का जिक्र सिर्फ बाइबल और मूवीज तक सीमित नहीं है, बल्कि चाइनीज माइथोलॉजी में भी ड्रैगन एक अहम हिस्सा रहे। और भले ही पूरी दुनिया में ड्रैगन एक ईविल और डरावने क्रीचर माने जाते हैं, पर चाइनीज कल्चर में इसे अच्छाई और लक का सिंबल माना जाता है। इसीलिए आपको चाइनीज फेस्टिवल और सेलिब्रेशन में ड्रैगन जरूर देखने को मिल जाएंगे। इंडिया की सबसे फेमस ईविल स्प्रिट वेताल, जिसकी कॉमिक स्टोरीज और मूवीज हमेशा से पढ़ी और देखी जाती है। पर उस टाइम पर भले ही ये वेताल हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट का जरिया था, पर शायद ही लोगों को ये पता था कि ये वेताल हिंदू माइथोलॉजी में एक जाना पहचाना था नाम, और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ये एक तरह की ऐसी ईविल स्पिरिट होती है जो मरने के बाद कहीं लाइफ और आफ्टर लाइफ के बीच में ही कहीं फंस जाती है। और ये वेताल ज्यादातर शमशान और कब्रिस्तान जैसी जगहों पर और पेड़ों पर मौजूद होते हैं, जिनका मेन काम होता है इंसानों को परेशान करना। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वेताल इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ये किसी इंसान को पागल और यहाँ तक कि लेडीज का मिसकैरेज तक करवा सकते हैं। और तो और, कई बार इन वेताल्स को वेस्टर्न माइथोलॉजी में मशहूर वैम्पायर से भी कंपेयर किया जाता है। आप सभी लोगों ने अलादीन मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसमें था अलादीन, चिराग और उसका जिनी। पर भले ही डिज्नी ने पूरी कोशिश करी थी जिनी के कैरेक्टर को एक फ्रेंडली नेबरहुड जिन की तरह दिखाने में, क्या कर सकता मैं आपके लिए, खोखल शरबत लेंगे, रसम की खस्सा में आपको आजादी, पर इस्लामिक माइथोलॉजी के हिसाब से मैड्रिड एक्चुअली में सबसे ओल्डेस्ट और पावरफुल जिन में से एक है, जो कि किसी भी इंसान या जीवित चीज का रूप ले सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये जिन्स एंजल तक से लड़ चुके हैं, और साथ ही ये मैड्रिड जिन्स चोरी छुपे एंजल्स की जासूसी करने सबसे नीचे लेवल के आसमान तक जाते हैं, ताकि वो फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सके, और ब्लैक मैजिशियंस और दूसरे जादूगर इन्हीं मैड्रिड जिन्स को कंट्रोल करके आगे फ्यूचर की झलक तक देख सकते हैं। आप सभी ने कई बार किस्सों और कहानियों में और यहाँ तक मूवीज में एक सी मॉन्स्टर के बारे में जरूर सुना या देखा होगा, पर ये सदियों पुराना सी मॉन्स्टर कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ये सी मॉन्स्टर लिवेथियन का जिक्र कई बार बाइबल तक में किया गया है, जहाँ पर बाइबल के अलग अलग चैप्टर में इसका जिक्र मिलता है, जहाँ पर ये तक बताया गया है कि ये सी मॉन्स्टर इतना ज्यादा खतरनाक है कि इस बीच से लड़ने की सोचना तक एक इल्यूजन है। इस्लामिक बिलीफ के हिसाब से गोल्स एक तरह के ऐसे जिन्स या डीमंस होते हैं, जो कि ज्यादातर कब्रिस्तान और दूसरी सन्नाटे वाली जगहों में रहते हैं। और इस्लामिक बिलीफ के हिसाब से गोल्स असल में इबलीस या शैतान के वंशज हैं, और ज्यादातर गोल्स मुर्दा इंसानों और जानवरों का गोश्त खाकर जिंदा रहते हैं। और ये घोष जिन्स अक्सर खूबसूरत औरतों के भेष में आकर आदमियों को अकेले में अपने वश में करते हैं, ताकि वो इनको अपनी खुराक बना सके। और ये गोल सिर्फ सन्नाटे की जगहों पर, जंगल, रेगिस्तान और कब्रिस्तान जैसी जगहों पर ही पाए जाते हैं। और एक हदीस के हिसाब से गोल्स जैसे जिन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, कुरान शरीफ की आयतों को रिसाइट करके। नंबर 5 पर है दाब्बा, जिसे बीस्ट ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामिक बिलीफ के हिसाब से दुनिया के खत्म होने से पहले जब सूरज उल्टी दिशा से निकलेगा, उस टाइम पर दुनिया में एक बीस्ट निकलेगा, जिसके एक हाथ में मोसेस या मूसा अलैहिस्सलाम की स्टिक होगी और दूसरे हाथ में सोलोमन
या सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, और जब ये बीस्ट अपेयर होगा तो रिपेंट करने के या तौबा करने के सारे रास्ते बंद हो चुके होंगे। हालांकि कुरान की सूरा नंबर 27 की वर्स नंबर 82 में दाब्बा का तो जिक्र है, पर कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ये नहीं मानते कि कोई एक्चुअल बीस्ट आएगा, बल्कि उनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये दाब्बा एक्चुअली में दुनिया में बढ़ता मटीरियलिज्म, यानी कि इन स्कॉलर्स के हिसाब से दुनिया में जब ग्रीड, बेकारी और मटीरियलिज्म बढ़ जाएगा, तब रिपेंट करने के या माफी मांगने के ऑप्शन बंद हो जाएंगे और कयामत या प्रलय आ जाएगी। नंबर 4 पर है रक्त बीज। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से रक्त बीज असुरों की आर्मी का जनरल कमांडर था, जिसके पास ऐसी पावर थी कि अगर उसके खून का एक भी ड्रॉप जमीन पर गिर जाता तो उससे एक और रक्त बीज पैदा हो जाता। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये रक्त बीज काफी ज्यादा पावरफुल भी था, जिसको हराना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। पर हिंदू स्क्रिप्चर पुराणास के हिसाब से इस रक्त बीज को काली माता ने उसका सारा खून पीने के बाद हरा दिया था। इस लिस्ट की सबसे खूबसूरत क्रीचर है मेड्यूसा, जिसके कैरेक्टर को कॉमिक्स, एनिमेशन कार्टून और मूवीज तक में दिखाया गया है। पर ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से ये खूबसूरत क्रीचर, जिसे गॉर्गो के नाम से भी जाना जाता है, ये एक्चुअली में एक खूबसूरत महिला होती है, जिसकी बालों की जगह पर जहरीले सांप लगे होते हैं, और जो कोई भी गलती से अगर उसकी आंख में देख लेता है तो वो फौरन ही पत्थर का बन जाता है। इस लिस्ट का सबसे ईविल, जिसे सेटनिज्म, डेविल या फिर डायरेक्टली इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है, वो है बैफोमेट। बैफोमेट एक तरह की ऐसी मूर्ति है जिसका सर बकरे का, बॉडी एक औरत की होती है, और लोग चर्च ऑफ सेटन में इस बैफोमेट की पूजा करते हैं। और बैफोमेट का जिक्र पहली बार साल 1300 के टाइम पर मिलता है, जहां पर नाइट टेम्पलर सीक्रेटली इस बैफोमेट की पूजा करते थे। पर आज के टाइम इस बैफोमेट को इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है, इसलिए आजकल की फेमस पर्सनालिटीज आपको बकरे के साथ फोटो खिंचवाते हुए अक्सर देखने को मिल जाएंगी। चाहे रिलीजन कोई भी हो, लेकिन ज्यादातर रिलीजन में आपको एक चीज कॉमन मिल जाएगी कि ये दुनिया एक दिन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब चाहे इसे आप डूम्सडे बोले, प्रलय या कयामत, पर इस दुनिया का खत्म होना तो तय है। इसी तरह बाइबल और इस्लामिक बिलीफ के हिसाब से दुनिया खत्म होने से पहले एक ऐसा पावरफुल बीइंग या मॉन्स्टर आएगा, जिसे इस्लामिक फेथ के हिसाब से दज्जाल और क्रिश्चियनिटी में द एंटी क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। ये धोखेबाज मॉन्स्टर या बीइंग अपने आप को गॉड मानने के लिए लोगों को मिसलीड करेगा। बल्कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस एंटी क्राइस्ट के पास ऐसी सुपर नेचुरल पावर तक मौजूद होंगी कि ये किसी भी बीमार इंसान को ठीक कर सकेगा, और यहाँ तक कि पूरी दुनिया और वेदर तक को पूरी तरह कंट्रोल कर सकेगा। और इस्लामिक फेथ के हिसाब से इस दज्जाल की एक आंख डैमेज होगी, और जिसके बाद इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी दोनों फेथ के हिसाब से जीसस क्राइस्ट या ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा से लौट आएंगे, और ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल का खात्मा करेंगे। तो इसमें से कौन सा ऐसा क्रीचर या मॉन्स्टर है जिसकी कहानी आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।